आज हमारे पूरे देश में हमारे एससी समाज के लोग और ओबीसी समाज के लोग अलग अलग संगठन बना करके हमारे देश में कम से कम लाख से ज्यादा ही संगठन बने हुए। लोगों को देखता हूं कि 25 लोग इकट्ठा कर लिए तो अपना खुद का संगठन चालू कर देते, और जो भी हमारे भाई मजबूती से लड़ते हैं उनकी बुराइयां करना चालू कर देते। अब वो बुराइयां खुद नहीं करते हैं, उनको कराया जाता है। और कैसे कराया जाता है? लालच दे करके कि आप अगर इनके साथ हैं तो अगर उनको अगर आप फोड़ दोगे तो हम इतना आपको हमेशा तो खर्चा देते ही हैं, लेकिन चुनाव के तहत अगर आप उनको तोड़ दोगे तो हम इतना आपको इकट्ठा देंगे, और नहीं तो हमारे जैसे आपको बीजेपी से सीख लेना है। बहुत से संगठन चलते हैं, जय माता संगठन चलते हैं, उसके बाद जय हिंदू परिषद, हिंदू संगठन, आरएसएस संगठन और शेरनी संगठन, ऐसे संगठन करीब 70-80 संगठन चलते हैं। जब वोट की बात आती है तो लग सिर्फ बीजेपी को होती है। तो आज हमें कैसे आजादियां मिली, किसके कारण से हम इस मंच पे बोल पा रहे हैं और किनके कारण हम आज आप लोगों के साथ एक भाई लोग के तहत हम लोग आपके साथ बैठ लेते हैं, नहीं तो हम लोगों को बैठने का अधिकार नहीं था। और हम लोगों को दिन में शाम में चलने का अधिकार नहीं था, वो हमको टाइम दिया जाता था चलने के लिए।